फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सिद्धू मूसेवाला की अंतिम विदाई पर पिता के थम नहीं रहे थे आंसू, एक टक बेटे को देखे जा रही थी माँ। आज सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव मूसा में किया गया। अपने चहेते सितारे को अंतिम विदाई देने उनके गांव फैंस का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अंतिम संस्कार से पहले सिद्धू मूसेवाला को उनके पिता बलकौर सिंह ने पगड़ी बांधी। सिद्धू के सिर पर सहरा सजाकर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। भावुक होकर पिता ने उतारी पगड़ी। पंजाब के जाने माने गायक, अभिनेता और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की रविवार शाम एक गैंगस्टर द्वारा हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। आज गायक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दिन दिहाड़े हुई हत्या से पूरा देश स्तब्ध और SIT इस हत्याकांड की जांच कर रही है। इस बीच मंगलवार को मनसा जिले के मूसा गांव में सिद्धू को अंतिम विदाई दी गई। स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए तिहाड़ जेल से रिमांड पर लिया। बिश्नोई को कोर्ट के जरिए एक दूसरे केस में 5 दिन की रिमांड पर लिया गया था, लेकिन अब सिद्धू केस में उनसे पूछताछ की जाएगी। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस सेल ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। स्पेशल सेल लॉरेंस को लेकर तिहाड़ जेल से लेकर निकल गई। उससे सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पूछताछ होगी। गौरतलब है कि कनाडा स्थित गोल्डी बरार, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है, ने मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी ली है। दिल्ली सरकार की नई स्कीम। दिल्ली में ई साइकिल खरीदने वालों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि बतौर सब्सिडी दी जाएगी। यह प्रोत्साहन राशि ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी। सब्सिडी का पैसा साइकिल खरीदने के 7 से 10 कार्य दिवस में खाते में आ जाएगा। पिछले महीने दिल्ली सरकार ने राजधानी में बिकने वाली पहली 10,000 ई साइकिल के लिए प्रत्येक को 5,500 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की थी। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार ई साइकिल के पहले 1,000 खरीदारों को 2,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। योजना की शर्तें पूरा करने वाली कंपनी और मॉडल के बारे में परिचालन दिशा निर्देश लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली ई साइकिल के चुनाव में मदद करेंगे। इनकी कीमत लगभग 25,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच है। सरकार ने व्यावसायिक उपयोग के लिए कार्गो ई साइकिल और ई कार्ड के पहले 5,000 खरीदारों के लिए 15,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। बैंकिंग को लेकर आज से लागू होगा नया नियम। अब ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए पैन आधार नंबर देना होगा अनिवार्य। आज के बाद से एक वित्त वर्ष में अपने बैंक अकाउंट से 20 लाख या उससे ज्यादा का कैश विड्रॉ या डिपॉजिट करने वाले लोगों को अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर भी देना होगा। यह नियम कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट वालों पर भी लागू होगा। अब बैंक में कैश निकालते या डिपॉजिट करते वक्त एक नए नियम का पालन करना होगा। यह नियम करंट अकाउंट खोलने वालों को भी मानना होगा। यहाँ तक कि अगर आपको ऐसा ट्रांजेक्शन करना है तो आपको इसके कम से कम 7 दिन पहले पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा।